हेडलाइंस डेली HD न्यूज। आगामी 6 जुलाई को इंदौर में नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं। इन चुनावों में महापौर सहित 85 वार्डो के पार्षदों के चुनाव भी होंगे। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 22 जून के दिन बुधवार को अनेक चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन हुआ। वार्ड क्रमांक 51 से वंदना यादव के पति कमल यादव पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। बुधवार को कमल यादव के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन ख्यात फिल्म अभिनेता असरानी ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय रहवासी एवं कमल यादव के समर्थक उपस्थित थे। असरानी ने कमल यादव को जीत की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए लोगों से अपील की है कि वह वार्ड के विकास के लिए कमल यादव को चुनाव जिताए। हालांकि कमल यादव इस बार कमल चुनाव चिन्ह से चुनाव नहीं लड़ेंगे, किंतु कमल के रूप में याद रखते हुए उन्हें चुनाव जिताए। महामंडलेश्वर उमेश दास जी महाराज ने कहा कि कमल यादव के नेतृत्व में वार्ड का चौमुखी विकास हुआ है। यादव की छवि को देखते हुए उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देना चाहिए था। हालांकि कमल यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, परंतु उनकी विचारधारा पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को समर्पित रहेगी। इस अवसर पर पार्षद प्रत्याशी कमल यादव ने कहा कि मैं वार्ड की जनता के दिल में बसा हूं। जनता निश्चित रूप से मुझको अपना प्यार और आशीर्वाद देगी और मैं चुनाव जीतूंगा, क्योंकि मैं जनता की आवाज पर ही चुनाव लड़ रहा हूं। फिल्म अभिनेता श्री असरानी जी करेंगे। श्री असरानी जी का स्वागत तिलक लगा के, और उसके बाद उन्हें अक्सर देखकर हमारे कार्य के वार्ड के कार्यकर्ता कर रहे हैं। जोरदार तालियों से श्री असरानी जी हमारे वार्ड का उद्घाटन करने जा रहे हैं। उन्होंने कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, क्या फिल्म अभिनेता असरानी इसमें आए थे, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से चुनाव लड़ा जा गया आपकी? देखिए, जो है यहाँ क्षेत्र में बहुत विकास किया है और हमेशा ही इस वार्ड में अद्भुत काम किए गए हैं। वो चाहे जन्माष्टमी की बड़ी रैली हो, चाहे यहाँ पर जो है श्रीमद् भागवत कथाएँ हों, चाहे विकास कार्य हो, चहुमुखी विकास हो, चाहे यहाँ पर योजनाओं के जो है घर तक पहुँचाने की बात हो, और चाहे मनोरंजन में जो है असरानी जी जैसे एक वरिष्ठ कलाकार हो, ये हमेशा मूसाघड़ी के अंदर हमने बेस्ट करके दिया है। आप भारतीय जनता पार्टी से हैं, इस बार आपको टिकट नहीं मिला, निर्दलीय चुनाव आप लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, इस बार जनता मुझे चुनाव लड़ा रही है, और जनता जब चुनाव लड़ा रही है तो मैं जनमानस के साथ जा रहा हूँ, और ये जब चुनाव लड़ा के जिता के पहुँचाएगी तो निश्चित हम जाके आगे संगठन का काम करेंगे। एक पार्टी ने गाइडलाइन जारी करी कि आज 3 बजे तक नामांकन जिन्होंने वापस नहीं लिया उन्हें भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा, क्या कहेंगे, फिर किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, मैं अपनी जनता के मन से, अपने कार्यकर्ताओं के मन से निष्कासित नहीं होना चाहता, इसलिए मैं अपने जनता और कार्यकर्ता के मन को जो है जनमानस की भावना को ध्यान में रखते हुए उनके साथ जा रहा हूँ, और पार्टी का कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, पार्टी का सम्मान है, कल भी था और आज भी है। आज बड़ी संख्या में कार्यालय पर लोग उपस्थित हुए, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से लोगों को आमंत्रित किया गया, किस तरह का मिला, आपका प्रेम है सबसे, क्या कहेंगे? देखिए, ये जब जहाँ जहाँ पता चला कि सभी लोगों ने कि कमल यादव जी को जो है चुनाव लड़ाना है, तो मुझे जनता चुनाव लड़ा रही, तो उनको ऑलरेडी ही पता है कि आगे हमें क्या करना है, तो आज देखेंगे कि आज सारे अपने जो भी काम किए हैं तो उस काम के आधार पर यहाँ पर आएंगे।